हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिन हुआ ब्लॉग नहीं किया, थोड़ा बिजी था इसलिए। सो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। एक है यहाँ पे पड़ा हुआ, दो ठू लेकर आया है, ये देखिए। और एक जला रहा है, और इसके बाद ये होने से इसके बाद यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। ये देखिए सफा हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा से जल रहा है ना भाई, तो इस तरह साफ किया जाता है। तो साफ करना चाहिए, जला के जो काला हो गया है अभी, इसको धीरे धीरे इसको ये चाकू से ऐसे करना पड़ता है। ये बनाने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खाने में बहुत टेस्ट होता है। ये देखिए कुछ इस तरह बनाते हैं। इसको इसी तरह करना चाहिए पहले। ये देखिए बीच से जो दांत है उसका बीच तो बीच काटना चाहिए। मैं सब लोग को दिखा रहा हूँ कैसे बनाता है, अच्छी तरह देखिए। इसको बनाने में बहुत मुश्किल है, कोई कोई बना सकता है, कोई कोई तो बनाना भी नहीं सकता है इसको। ये देखिए कितने सुंदर धो के रख दिया है हम लोग। अभी इसको पीस कर रहे हैं छोटा छोटा, इसको काटेंगे अभी हम लोग, पीस करेंगे। बड़ा करने से नहीं, छोटा ही करना पड़ेगा। बड़ा करने से जल्दी नहीं पकेगा, ये तो बहुत तकड़ा हड्डी है और चमड़ा है और तरह 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 मांसू है। ये देखिए डोगी, ओ डोगी भी खाने के लिए रुक रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे और एक डोगी, ये धीरे से इस तरह पीस किया था जाता है। देखिए ये देखिए अंदर से सबसे बड़ा टेस्ट तो ये है, बड़ा बड़ा टेस्ट। सब रेडी करके आग में बैठा दिया है ये कढ़ाई। इसमें हम लोग हल्दी मिला दिया है, तेल मिला दिया, ये देखिए प्याज भी मिला दिया, सब कुछ मिला दिया है। अभी इसको फ्राई कर रहा है, जस्ट अभी अभी इसको रखा है आग में। बाद में ये अच्छी तरह पकने दो, उसके बाद फिर हम लोग पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद फिर उस पर हम लोग राइस पाउडर मिलाएंगे, ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाएंगे हम लोग। ये देखिए चूल्हा भी छोटा सा चूल्हा में बनाया है। ये देखिए अभी ये देखिए कितना सुंदर बन गया, पहले कैसा था अभी कैसा बन गया। देखिए मांसू ही मांसू, हड्डी भी है इसमें, चमड़ा भी है, मांस भी है। बढ़िया स्मेल तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, ये पानी डाल दिया, और थोड़ा डालना पड़ेगा ना। ओ ये है राइस पाउडर जो इसको ग्राइंड करके रखा है। अभी इस राइस पाउडर को अभी हम लोग मिलाएंगे, मैं अभी डाल रहा है धीरे धीरे। इसको थोड़ा थोड़ा हिलाना पड़ेगा, जब राइस पाउडर डालते हैं जब नहीं हिलाते ये पूरा चिपक जाएगा, गोटा बन जाएगा, इसलिए धीरे धीरे इसको स्पून से इसको हिलाना पड़ता है। ये देखिए पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल में बन गया है। वाओ पकने वाला है, अभी जस्ट फिनिशिंग के लिए अभी राइस पाउडर डाल रहा है, उसके बाद इसको थोड़ा पकने दीजिएगा। पक जाएगा, हाँ वाओ। ये देखिए कैसे बढ़िया तो टेस्ट हो रहे, देखती हूँ कैसा हो रहा है। ये अभी आप उसका अभी आप ठीक से टेस्ट करना हो, क्योंकि ये ग्रेवी बनने के लिए इसको थोड़ा ड्राई होने दीजिएगा थोड़ा। ये देखिए वाह, बढ़िया। और थोड़ी देर रखेंगे ना, तो पक जाएगी। फाइनली ये पक गया है, ये आग से हम लोग निकल दिया है इसको। अभी यहाँ पे कोला पार्ट में हम लोग अभी इसको निकल रहा है, ये इस पे निकल रहा है। ये देखिए हो जाएगा, टेंशन नहीं है, छोटा हो बड़ा हो कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े डाल के खाएंगे ना। वाओ मेरे मुंह से तो पानी आ गया, वाओ बहुत टेस्टी होगा लग रहा है। यम्मी।
इधर भी डाल दीजिए, बस ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि गिर जाएगा ये, थोड़ा थोड़ा डालना है, हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ा चख के देखता हूँ कैसा हो गया है टेस्ट। नमक नमक ठीक है, नमक सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे तो बहुत डल लग रहा है, ज़्यादा डल डाल दिया क्या, टेस्ट वाला। अभी सब कुछ रेडी है, टेबल पर रख दिया है, अभी देखिए खा के देखता हूँ। अभी खा के देखता हूँ। बढ़िया, कैसा हुआ, बहुत कैसा हुआ। थोड़ा डालेंगे ना, ये देखिए ग्रेवी फुल हो गया है, अभी डाल डाल के और मैं एक पीस बढ़िया वाला ढूंढ के खाऊंगा। और ये देखिए वाह, बढ़िया वाला पीस ले तो।